दिलीप कुमार जी को लेकर राजनीतिक जगत के साथ साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। हर किसी का यही कहना है कि भारतीय सिनेमा को ये जो क्षति हुई है इसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमिताभ बच्चन तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने लिखा, दिलीप कुमार ने अपने आप में उभरते भारत के इतिहास को संक्षेप में प्रस्तुत किया। थेस्पियन का आकर्षण सभी सीमाओं को पार कर गया था और उन्हें पूरे उपमहाद्वीप से प्यार मिला था। उनके निधन से एक युग का अंत हुआ है। दिलीप साहब भारत के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। परिवार और अनगिनत प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, हालांकि उन्होंने सायरा जी से फोन पर बात भी की, उन्होंने लिखा, दिलीप कुमार जी सिनेमा लेजेंड के तौर पर हमेशा याद रहेंगे। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था जिसके कारण कई पीढ़ियों में लोग उनके अभिनय को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। वहीं अमित शाह होम मिनिस्टर, उन्होंने भी लिखा, श्री दिलीप कुमार जी सिल्वर स्क्रीन के एक सच्चे लेजेंड थे। हमने भारतीय सिनेमा ने एक महान अभिनेता को खो दिया है। उन्होंने अपने अविश्वसनीय अभिनय और प्रतिष्ठित भूमिकाओं से सिनेमा प्रेमियों की पीढ़ियों का मनोरंजन किया है। दिलीप जी के परिवार और फॉलोअर्स के प्रति मेरी संवेदना। वहीं अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, एक संस्थान इंस्टीट्यूट चला गया। मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे अभिनेता जो हैं उनको फिल्म इंस्टीट्यूट मानते थे और जिसमें अमिताभ बच्चन तो उन्हें यही कहकर हमेशा संबोधित भी करते थे। एक इंस्टीट्यूट चला गया। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वह हमेशा दिलीप कुमार से पहले और उनके बाद रहेगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं दुआ करता हूँ और ईश्वर उनके परिवार को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति दे। मुझे गहरा दुख हुआ है। अक्षय कुमार ने लिखा, दुनिया के लिए कई अन्य हीरो हो सकते हैं, हम अभिनेताओं के लिए वही हीरो थे। दिलीप कुमार सर भारतीय सिनेमा के एक पूरे युग को अपने साथ ले गए। मेरी भावनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ है। ओम शांति। अजय देवगन, बहुत सारे लोगों ने जो है, चाहे साउथ इंडस्ट्री के हो या फिर बॉलीवुड के या फिर राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियां, उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं धर्मेंद्र जी, उन्होंने मीडिया को टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताया कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं पा रहा जब से मुझे ये बात पता चली है कि दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रहे।